नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिकन $1 भारतीय 73 रुपए के बराबर होता है। आज की इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट LVMH कंपनी के मालिक हैं। यह कंपनी एक लग्जरी गुड्स बेचने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनकी फैमिली के पास कुल $104 बिलियन संपत्ति है। इसी संपत्ति के कारण बर्नार्ड अर्नोल्ट का नाम दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में आता है। भारतीय रुपए में $104 बिलियन लगभग 7.5 लाख करोड़ के बराबर होते हैं। नंबर 4, मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग फेसबुक कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो चलाते ही होंगे। आज मार्क जकरबर्ग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के भी मालिक हैं। मार्क जकरबर्ग दुनिया के सबसे छोटी उम्र में आने वाले बिलियनियर में से एक हैं। इनके पास $105 बिलियन कुल संपत्ति है। इसी कारण वह दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी हैं। यह संपत्ति भारतीय रुपये में 7,66,000 करोड़ रुपये होती है। नंबर 3, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। वह लगभग 12 साल अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नंबर 1 पे रह चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वजह से आज बिल गेट्स के पास कुल $129 बिलियन संपत्ति है। यह संपत्ति भारतीय रुपए में लगभग 9,40,000 करोड़ रुपए है। नंबर 2, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला और स्पेस की वस्तुएं बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स के मालिक हैं। एलॉन मस्क अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नंबर 2 पे आए हैं। इनके पास कुल $136 बिलियन संपत्ति है। यह संपत्ति भारतीय रुपए में लगभग 9,90,000 करोड़ रुपए होती है। नंबर 1, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनी अमेजॉन के CEO हैं। इनकी कुल संपत्ति $183 बिलियन है। यह संपत्ति बहुत ज़्यादा है। भारतीय रुपए में यह संपत्ति 13,35,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको भारत के रहने वाले मुकेश अंबानी के बारे में भी बता दूं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के मालिक हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नंबर 10 पे आते हैं। इनके पास कुल $75 बिलियन संपत्ति है। यह संपत्ति भारतीय रुपए में लगभग 5.5 लाख करोड़ के बराबर होती है।